से पहले किसी भी उद्घाटन में इतनी भारी संख्या में कहीं भी लोग मौजूद रहे होंगे। इसी से जाहिर है कि आज इस सिग्नेचर ब्रिज के बनने से दिल्ली के लोगों को कितनी खुशी हो रही है, कितना अपार हर्ष हो रहा है। दोस्तों, सिग्नेचर ब्रिज की दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई और दिल्ली नहीं देश के लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। अभी मनीष जी बता रहे थे कि दिल्ली को लाल किले के नाम से, कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। लेकिन मनीष जी, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली को नहीं, आज जब कोई भी पर्यटक, टूरिस्ट फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है, ये पुलिस वाले कम, उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर ताजमहल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब फॉरेन कंट्री से कोई भी टूरिस्ट भारत में आएगा तो उसकी लिस्ट में या तो नंबर एक पे या नंबर दो पे सिग्नेचर ब्रिज हुआ करेगा। ये जो ऊपर तक आप देख रहे हो, ये कितने मीटर है? कितने मीटर है ये? 154 मीटर है। 154 मीटर ऊपर है ये। पूरी दुनिया में जितने भी इस किस्म के ब्रिज हैं, उसमें सबसे ऊंचा ब्रिज आपका सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली के लोगों का। आज से चार दिन पहले एक स्टैचू का उद्घाटन किया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू का उद्घाटन किया गया था, उसकी ऊंचाई थी 182 मीटर। दोस्तों, देश को तय करना है, हमें इस दुनिया के सबसे बढ़िया, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन पुलों की जरूरत है कि स्टैचू की जरूरत है? अभी मनीष जी ने बताया कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ा इस पुल को बनवाने में। अफसरों को धमकियां दी गई, सीबीआई की इंक्वायरी करा देंगे, फाइलों पे अफसरों से उल्टा सीधा लिखवाया गया। कैबिनेट मीटिंग के अंदर कैबिनेट मीटिंग को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों, केवल और केवल एक वजह से आज ये पुल बन के तैयार हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि आज दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। जब उन्होंने धमकी दी कि सीबीआई की रेड करवा देंगे, हमने कहा तुम्हारी सीबीआई से डर नहीं लगता, हमारे ऊपर मोदी जी पहले ही सीबीआई की रेड करा चुके, उनको कुछ नहीं मिला। ये तो हम ईमानदार हैं, इस वजह से फाइलों पे सारे काम हम पास करते गए, इस वजह से दोस्तों आज ये पुल बन के तैयार हुआ है। नहीं तो उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी। अगर आज दिल्ली में ईमानदार सरकार नहीं होती तो कम से कम 5 साल तक और ये पुल बन के तैयार नहीं होता दोस्तों। और आज मुझे कहते हैं बेहद खुशी है, कोई एक आदमी जिसकी वजह से आज ये पुल बना है उसका नाम है मनीष सिसोदिया। इन्होंने पिछले 1 साल से हर हफ्ते ये इस पुल पे आते थे, हर हफ्ते इस पुल का जायजा लेते थे, इंजीनियरों से मिलते थे, अफसरों से मिलते थे, और
ने फाइलों के ऊपर आदेश किए, आज यहाँ सारी दिल्ली मौजूद है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ मनीष सिसोदिया का, आज ये जो आप पुल देख रहे हो ये एक तरह से इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जब तक हम साइंस और इंजीनियरिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे ये देश आधुनिक भारत नहीं बन सकता। मैं कल से सोच रहा था, जब जब मैं इस पुल के बारे में सोचता हूं मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री की याद आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में देश आजाद हुआ, देश के सामने ढेर सारी चुनौतियां थी, देश पिछड़ा हुआ था, एक आधुनिक भारत की अपने को नींव रखनी थी। हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई, उन्होंने IIT खड़गपुर बनाई, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता IIM अहमदाबाद बनाए, उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। दोस्तों इन चीजों से आधुनिक भारत की नींव रखी जाएगी। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी IIT खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैचू बना देते। दोस्तों मैं भी IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूं, मुझे नहीं लगता मैं भी पढ़ पाता IIT खड़गपुर के अंदर। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी BHEL की जगह एक मंदिर बना देते क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। दोस्तों आधुनिक भारत की नींव BHEL बनाने से रखी जाती है, सेल बनाने से रखी जाती है। आज दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 8000 क्लासरूम बनाए हैं, ये एक एक क्लासरूम मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अभी 10000 क्लासरूम और बन रहे हैं, इन 10000 क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे बड़े होकर देश का विकास करेंगे। आधुनिक भारत की असली नींव ये है दोस्तों। आज LNJP हॉस्पिटल इसमें 3500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल है, उसको चाचा नेहरू ने बनाया था। दूसरे नंबर का हॉस्पिटल LNJP बनने जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। ये देश के असली मंदिर है दोस्तों, ये देश के। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैचू बनाने से नहीं होगी, अस्पताल स्कूल सिग्नेचर ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी। दोस्तों हम लोगों का सपना है, आज ये आप सिग्नेचर ब्रिज देख रहे हो, ये सिग्नेचर ब्रिज जापान इटली और फ्रांस के देशों के साथ सहयोग करके बनाया गया है। हमारा सपना है हम अपने देश के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान इंजीनियरिंग इसकी इतनी तरक्की करें कि जापान के अंदर अगर अगला सिग्नेचर ब्रिज बने तो वो हमारे भारत के इंजीनियर जाके बनाए। दोस्तों असली देश की तरक्की होगी जब पूरे देश के अंदर, आज दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं, देश में 6 लाख गांव हैं,
देश की तरक्की होगी जब एक एक गांव के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। आज दिल्ली के अंदर 18,000 क्लासरूम बन रहे हैं, देश की तरक्की होगी, आधुनिक भारत बनेगा जब हर गांव के अंदर एक एक स्कूल बनाया जाएगा और शानदार स्कूल बनाया जाएगा। देश की तरक्की होगी, आधुनिक भारत बनेगा जब देश के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलेंगे, देश के अंदर कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेगी, तब हम अमेरिका और जापान से टक्कर ले पाएंगे। दोस्तों, ये मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना, अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, हमारा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश तकनीक के मामले में अमेरिका और जापान को भी पीछे छोड़ेगा। हमारे देश के लोग किसी से भी पीछे नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। हमारी सरकारों ने हमें मंदिर और स्टैचू में उलझाया हुआ है, अब ये राजनीति बंद करनी है और जो भी पार्टी वोट मांगने आए उससे पूछना कितने स्कूल बनाए थे, कितने अस्पताल बनाए थे, कितने सिग्नेचर ब्रिज बनाए थे। अगर नहीं बनाए तो जाओ, हम तुमको वोट नहीं देंगे। भारत माता की।